adulto que tiene. You serious? Two hours later. एक बार फिर से कर्णप्रयाग पहुंच चुका हूं मैं. पिछली बार कर्णप्रयाग आया था तो उसके बाद नंदप्रयाग गया था और अब यहां से केरसिन जाना है मुझे. उससे पहले मुझे कुछ खरीदना है, जैसे कि इमली खरीदनी है मुझे. वहां पे नहीं मिलती है तो मुझे ले जाना है वो. उसका जो बीज होता है वहां पे भूतना भी है मुझे, बोना है बोले तो चलते हैं. यहाँ पे कहाँ पे इमली मिलती है बताता हूँ मैं आपको. उसके बाद चलते हैं जहाँ से गैरसैंण के लिए गाड़ी मिलती है. ओके फिर स्टे कनेक्टेड. इस पुल को पार करना पड़ेगा. पिछली बार भी दिखाया था मैंने आपको ये, जब कर्णप्रयाग की ब्लॉग बनी थी तब. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल ही पे है, आप देख सकते हैं उसे. मैं आपको नीचे भी ले गया था, ऊपर कर्ण मंदिर में भी ले गया था, वो उस साइड है. और ये कर्णप्रयाग काफी ऊपर जाना पड़ेगा आई थिंक इमली लेने के लिए. और मेरे हाथ पे है एक बैग, मेरे हाथ पे एक बैग है जो कि नंदप्रयाग वालों ने दिया मुझे, और पीछे एक बैग है. तो देखिए आगे के नज़ारे. यहाँ पर गोपेश्वर की गाड़ी लगती है, मैंने बताया था आपको, और श्रीनगर की भी गाड़ियाँ लगती है सामने. पर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा पानी पियेंगे क्योंकि पानी प्यास लगती है बहुत. और यहाँ पे छोटी छोटी कुछ सामान मिल रहे हैं, चश्मे चुश्मे. ओके अपन को तो नहीं लेना. यहाँ पे प्राकृतिक पानी मिलता है, थोड़ा पी लेते हैं. तो थोड़ा पानी पीते हैं, यहाँ पे हाथ मुंह धो लेते हैं. बहुत अच्छा पानी है, बिल्कुल साफ पानी है. यहाँ पे प्राकृतिक पानी, ऐसा पानी तो पहाड़ों में मिल सकता है. मास्क लगाते हैं और चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं जर्नी. टावल टूवल तो कुछ है नहीं मेरे पास, तो ऐसे पूछ लिया यार, अब क्या करें तब, है ना. तब तो चलते हैं यहाँ से ऊपर, कंटिन्यू करते हैं. भाई ऐसे ही रास्ता ना,
उधर ठेके के लिए भी है, पर भाई एक बार गलती से मैं उधर घुस गया था। मैंने सोचा ये नीचे जाने का रास्ता है और मैं वहाँ ठेके में घुस गया था। तब ऐसी बात है, आप ना करें मेरे जैसी गलती। यहाँ से ऊपर जाएंगे, इमली लेनी है ना। ये मार्केट ले जाती है ये रोड नीचे। ये जो रोड है ये मेन मार्केट के लिए जाती है। और जो ये रास्ता है ये जाता है ऊपर जहाँ ये हॉस्पिटल है कर्णप्रयाग का। एक ये रास्ता ये मेन मार्केट से ऊपर को आता है कर्णप्रयाग से। बस ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा और जाना है फिर इमली मिल जाएगी हमको। बस थोड़ा सा बच रखा हूँ। वो क्या है, चलिए मैंने वादा किया था उनसे जब मैं वापस आऊँगा तो मैं ज़रूर लेके जाऊँगा आप यहाँ से। तो तब वादा निभाने के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ी है, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं। अभी नीचे भी जाना है, ये एक शॉर्टकट रास्ता, यहीं से जाएंगे नीचे। आ गए, पहुंच गए। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाली रोड आ जाएगी जहाँ हॉस्पिटल वगैरह तहसील वगैरह। आई एम बैक। परसों बोला था आपको इमली लेने आऊँगा मैं, बोला था ना, याद है आपको? तो दे दीजिए। कितना बोल रहे थे आप? 100 रुपये का 25 ग्राम? नहीं, अच्छा, ओके 100 ग्राम 20 रुपये के, 20×5 = 100। तो अपन ले लेते 50 रुपये का ना। मुल्तानी मिट्टी भी है यहाँ पे, मुल्तानी मिट्टी कारण है। ये है मुलिट्ठी और चीजें, गरम मसाला 250 दे दीजिए मुझे, 50 रुपये की ये इमली दे दीजिए और काला नमक भी दे दीजिए ज़रा 10 रुपये का। ये बस यहीं पे इसी रास्ते में दुकान है, आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं नीचे से ऊपर आया था, आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हो। जहाँ पे हॉस्पिटल है वहाँ से जस्ट नीचे को ये रास्ता पड़ता है। तो ये है सीनरी और ये काला नमक बहुत अच्छा होता है, थोड़ा मूले की। हाँ ये कैमरा वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ ना मैं, तो तब
आप भी देख सकते हो, बहुत सारी जहाँ भी जाता हूँ ना मैं घूमने वहाँ की वीडियो बनाता हूँ भाई। ये कैमरा है। अच्छा। लोग इसे समझ रहे कि ये कोरोना की मशीन है, ऐसे समझ रहे। हाँ वीडियो वीडियो बनाता हूँ ना मैं तब तक, आपकी भी वीडियो आ गई इसमें। जब कर्णप्रयाग की वीडियो सर्च मारोगे ना आप, तो आपकी वीडियो भी आ जाएगी। हाँ जी हाँ यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब अभी पूरा कर्णप्रयाग का बनाया ना मैंने, और कर्ण मंदिर भी दिखाया मैंने कि कर्णप्रयाग को कर्णप्रयाग क्यों कहते हैं भाई। यहाँ पे कर्ण जो भगवान थे उनको भगवान सूर्य से कवच और कुंडल मिले थे क्यों, पता होगा आपको। आप यहीं से हो तो? अच्छा 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 ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भी चाहिए था मुझे थोड़ा सा, ये भी दे दीजिए मुझे। कितने रुपए कर देंगे आप इसे? ठीक है दे दीजिए, मूल्य की भी ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा। अरे मूल्य की नहीं, मूल्य की ये भी बहुत ज़रूरी है, मूल्य की भी। गला खराश खुरुश हो जाता ना तो ये सही रहता। ये भी दे दीजिए मुझे ऐसे ही 20 रुपये का। कितना आएंगे? 20 ग्राम। अच्छा 20 रुपये के 20 ग्राम, श्रीनगर में तो सस्ता है यार। यहाँ पे थोड़ा वाह निशाना सिद्ध किले में, तो ये है बात यहाँ पे। चलो इसको रखते हैं और पेमेंट करते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं टैक्सी स्टैंड, फिर दिखाता हूँ आपको। ओके सो फ्रेंड्स, मैं ऊपर गया था आपको पता है, और मैं यहाँ आया था जब मैं ऊपर को आया था। तो अब चलते हैं मेन मार्केट की और जहाँ मैं गाड़ी पकड़ूंगा गैरसन के लिए, ठीक है? तो चलते हैं फिर उस साइड को, नज़ारे देखिए आप। रास्ता ज़्यादा लंबा भी नहीं है, बस 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं नीचे वहां पे। और ये है हमारा देहरादून नहीं है यार, ये कर्णप्रयाग है। वो पुल है जो नया बना है यहाँ कर्णप्रयाग में, 2013 की आपदा में टूट गया था वो। और बस पहुंच गया मैं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, टीवी ले सकते हो आप, कुर्सी की दुकान भी है यहाँ पे। और ये सो फ्रेंड्स, वो चीज़ें लेकर ऊपर के रास्ते से अब मैं नीचे जा रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ पीपल गाली बोलते हैं यहाँ पे, कर्णप्रयाग का मेन बाज़ार। सो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ गाड़ी पकड़ने। यहाँ पे फल फ्रूट की बहुत सारी दुकान है, आप चाहो तो ले लो। ये कैमरा एकदम घूम जाता है, बुरा मत मानिएगा। तो मेरे पीछे ये है पीपल डाली और ये मेन मार्केट है। तो यहाँ से चलते हैं जहाँ से मैं गैरसन की गाड़ी पकड़ूँगा, तो नज़ारे देखिए। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स है, खाना खूना खाना है आपको, और क्या बोलते हैं यहाँ पे आप रात को रह भी सकते हो अगर बाई चांस अटक गए हो यहाँ पे, तो वो भी सस्ते दामों में, 100 या 150 रुपये में 2 बंदे रह सकते हैं आई थिंक। मैं भी रहा था एक बार, तो पूछ सकते हैं आप। बाकी तो ये है कर्णप्रयाग का मार्केट। और फ्रेंड्स यहाँ पे लगती है गाड़ी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कर्णप्रयाग वाली में। छोटी छोटी गाड़ियाँ
घर से नहीं जाएगी? अच्छा, तो ये घर से नहीं जा रही है। घर से अच्छा, इसके ड्राइवर कौन है? तो यहाँ पे सामान रख दिया मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और ये है गाड़ी, ये है बोलेरो, इसका नंबर देख सकते हो आप। और वो गाना नहीं सुना आपने, बैक टू बोलेरो में, ये है सिंगर। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक पूरी सवारी नहीं भरी गाड़ी में, और जब भर जाती है तो फिर निकलते हैं यहाँ से। अगर आप भी आए हो, आपने भी जाना है ग्यारसेन, तो आपको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लगभग 7-8 सवारियाँ ले जाती है। आजकल कोविड में शायद कम ले जा रहे होंगे, तो देखते हैं कितने ले जाते हैं, फिर अपडेट देता हूँ मैं आपको, और बीच बीच में नज़ारे भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ ग्यारसेन तक। A few moments later. मुझे क्या कौन मिला है, मैं मिलाता हूँ आपको। रिंकू पहाड़ी की वीडियो अगर आप देखते हैं तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जब वो गए थे विधानसभा भवन घूमने गए थे, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी उस सांप वाली, जो वो पुलिस वाला था, तो उनसे मैं मिला हूँ अभी जब मैं कर्ण प्रयाग से गया जा रहा था उस गाड़ी, तो आपको मिलाता हूँ उनसे। आईटीबीपी आर्मी सर, हाँ पिछले साल जो ना ये साल नहीं है, हाई बोल दीजिए सर, हाय आर्मी में थे ना, तो वो मेरे जस्ट आगे वाली सीट में बैठे हैं। तो जब ये गाड़ी रुकती है ग्यारसेन में, तब मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए। Thank you.
pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get laid.